कोटकासिम क्षेत्र के जाटुवास गांव में रास्ते के बीच खड़ी कैंट्रा गाड़ी को हटाने के लिए कहने पर कैंट्रा गाड़ी के मालिक सहित अन्य कई लोगों ने एक व्यक्ति के साथ जमकर पिटाई की, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले को लेकर पीड़ित ने कोटकासिम थाने मामला दर्ज करवाया है। मार पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 3 से 4 लोग मिलकर एक व्यक्ति को लात और घूसों से पीट रहे हैं। कोटकासिम क्षेत्र के नरवास गांव के रहने वाले विनोद कुमार पुत्र हीरालाल यादव ने मामला दर्ज करवाया है कि वह रविवार को अपने गांव से दिन में करीब 11 बजे आसपास किसी काम से अपनी गाड़ी वैगनार से जाटुआ चौक पर जा रहा था। रास्ते में जाटुआ चौक पर एक कैंट्रा गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। जब उसने गाड़ी रोककर कैंट्रा चालक से गाड़ी साइड में रखने के लिए कहा, तो कैंट्रा गाड़ी के ड्राइवर रामहेर पुत्र शिव नारायण शराब के नशे में धुत था। उसको गाड़ी में करने को कहते ही वो गाली गलौज करने लगा। इसके साथ ही वह मारपीट भी करने लगा। फिर उसने अपने परिवार वालों को भी बुला लिया, जिसमें रोहित पुत्र रामहेर जाट और राजेश पुत्र शिव नारायण, जयचंद पुत्र जगदीश जाट और 2 से 3 लड़के बुला लिए। सबने मिलकर उसके साथ मारपीट की और उसकी 1.5 तोले सोने की चैन रोहित ने झपट ली। जब उसने हल्ला किया तो आसपास के लोगों ने उसे छुड़वाया। फिलहाल पुलिस ने दी गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।